का मतलब आप साजिश रच रहे थे कि मैं बाद में शादी कर दूंगा अगर जब मैंने मैंने मैं तो उसको आप मेरा कसूर निकाल रहे हो जैसे आपकी पत्नी आपकी बोला आपने रिलेशन में था मैं ये भी आगे इन्होंने अभी भी बात की हुई ऐसे 2-3 दिन पहले इसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी आपने तो दूसरी मिल गई ये कहाँ जाएगी अगर कल को आपने तो खदे दिया फिर आप इसके पास आओगे ये तो फिर भी तैयार हो जाएगी मैं नहीं आता सर मैंने यूँ तो बता भाई क्यों नहीं रहना उसमें ऐसा की है इसे की बहन है वो भी वह भी मेरी माँ की जामी है यार मैं बालका के मारे दिहाड़े भरती फिरूँ लेकिन यार अपने स्वाद के मारे दिहाड़े भरता फिर मैंने कोई स्वाद नहीं लिया है ठीक आपका दोस्त होस्ट प्रदीप फिलहाल मैं एक बार फिर मौजूद हूं जो धर्म सिंह कॉलोनी है वहां पे आपको मैंने एक पहले ही मामला दिखाया था जो जीजा साली का एक मामला सामने आया था वहां पे आप मेरे पीछे देख रहे हो जो ये संदीप नाम का वो लड़का है शख्स है जो साली को लेकर बताया गया था फरार हुआ था कैसे किन हालातों में लेके गया था कैसे क्या मजबूरियाँ हुई थी वो सब बातें भी इनसे करेंगे फिलहाल आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो लड़का है संदीप जिनको बताया गया था कि ये साली को लेकर फरार हुआ था फिलहाल हम पूरी की पूरी जानकारी इनसे लेंगे संदीप से कि कैसे वाक्य को अंजाम इस घटना को अंजाम दिया गया था क्या इसके पीछे रीजन थे क्या कारण थे फिलहाल आप मेरे साथ में एक बार बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कार्य आप ज़रूर करें आपको मैं ये वो इंसान दिखा देता हूँ जिनके ऊपर अभी 4 दिन पहले मैंने आपको घटना दिखाई थी जिसमें जीजा बताया गया था जीजा जो वो साली को लेकर फरार हुआ था ये वही पत्नी ने आरोप लगाया था इंसान है ये देखिए को लेके चला गया है और ऐसे में सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुँचे थे तो अब ये चाहता है कि मैं भी अपनी बात रखूँ तो हम इससे चाहेंगे कि ये भी अपनी बात रखे जो भी कुछ कहना चाहता है इतना कहना कर रखिए तुमने पहले तो अपना नाम बताओ तो मेरा नाम संदीप है जी कौन सा गांव कहाँ से हो नरवाना से हूँ मैं गौशाला रोड से जी अच्छा तो आप आज मीडिया के सामने क्यों आए हो जो मेरी बदनामी कर रखी है उसने जो झूठी बदनामी कर रखी है जी मैं अपना सच साबित करना चाहता हूँ जो जो मेरे साथ कहानी बनी है जो उसने कहा है वो सब झूठ है अच्छा जो अब जो आप महिला थी हाँ जो आप भी जो आपने न्यूज़ छापी है वो सिर्फ मैच 10 दिन पहले की न्यूज़ है उससे पहले जो भी मेरे साथ बना है वो या मेरी बस्ती वालों को पता है या मेरे टब्बर जो मेरे चाचे ताऊ उसको पता है हैं वो न्यूज़ किसी को नहीं पता है वो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ मैं इस सिरे पर जो ये मैंने कांड किया है वह क्यों किया है मैंने मैं किस स्थिति में यहाँ पर पहुँचा हूँ तो मेरी पूरी बात रखना चाहते हैं हाँ मैं पूरी बात पहले हम एक बात पूछना चाहते हैं हाँ जैसे आपकी शादी कब हुई थी मेरी शादी 2016 में 31 मार्च को हुई थी भैया दोनों भाइयों की हुई थी दोनों भाई की हुई थी तो क्या आपके बीच में कोई विवाद था आपकी पत्नी और विवाद भाई जब भी से विवाद था 2016 से अब तक विवाद ही था क्या विवाद था कोई भी हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं गया भाई जिस दिन लड़ाई ना होती हो झगड़े ना होते हो मैं चलते हमने बहुत कुछ हो चुका है उन्होंने मेरी माँ है जो उसको भी मरने की कोशिश की है किस तरह उन्होंने जी जैसे वो एक बार उसको मीठा सोडा दे दिया था 2 बारी तो उसको वो तबीयत खराब होगी एक बार जो आप मीडिया के सामने आए हो ना जिस बात को रखने के लिए वो बात रखिए पहले आप वही बात मैं रखना चाहता हूँ भाई जो वो न्यूज़ बता रही है वो गलत है बिल्कुल उससे पहले की न्यूज़ आपको उसने नहीं दी है वो मैं आपको दे रहा हूँ तो ये क्या सच्चाई है कि आप उसकी बहन को लेके गए हो हाँ जी हाँ जी उसकी जिम्मेवारी यही है जी कोई आपको अगर कोई भी तंग करेगा ना आपको कितने दिन मैच वो कितने दिन सहन कर सकता है 10 दिन 15 दिन महीना 6 महीने 7 साल कोई सहन नहीं करेगा भैया इससे पहले आपने डिवोर्स क्यों दिया फिर डिवोर्स वो देना नहीं चाहती थी भैया मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता वो ना वो मेरे को देना चाहती ना वो टॉर्चर करी है यार कैसे टॉर्चर किस टॉर्चर ऐसे है भैया जैसे 2016 मेरी शादी हुई उसके बाद ही कलेश चल पड़े सभी वो बोली भाई तेरे माँ बाप को छोड़ दे बोले चलो थाने तहसील हुए हमारे केस भी हुए हैं बीच में बहुत बार चले हैं तो वो बोली तेरे माँ बाप छोड़ दे मैं बोला चल छोड़ दूंगा तो हम न्यारे रहने लगे न्यारे रहने लगे तब भी वो मेरे पापा को टॉर्चर करती रही मैं चल कोई नहीं चलता रहता है सबकी चलती है लड़ाइयाँ चलते चलते वो ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने अपना मकान यहाँ पे किराए पे ले लिया अलग मैं अलग रहने लग गया जब भी वो मेरे सबसे मेरे कहे सुने से बिल्कुल बाहर थी वो जाती कहीं थी मैंने उसको 2-3 बारी पकड़ा भी भैया अभी थोड़े दिन पहले की बात है ये पड़ोसी हैं जो
यहाँ पे मैं उनके बुकिंग लेके गया हुआ था कैथल, तो यहाँ मेरे से बोली वो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल नरवाना सरकारी, तो ये भी कैथल गए जाना था इनको। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उसको वहाँ पर पकड़ा है, तो वो बोली नहीं मैं तो ऐसे ही आ गई, तो वो कुछ और काम गई थी भैया, वो किसी से मिलती थी। ठीक है, ये इस सिला ये अपना बर्दाश्त नहीं हुआ भैया। रंगे हाथ पकड़ा था आपने? हाँ जी, मैंने उसके ये इतला मैंने उसके घर वालों को भी दी हुई है, उसके घर वालों के पास पहले ये मामला आया भी हुआ है। मैंने सब मेरे चाचे ताऊओं के बताया, मेरे ऊपर किसी ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो भैया मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे का कोई भी कुछ भी 1% भी दोष नहीं है। आपकी वीडियो जो लाइव हुई थी ना, वो उसने फ़ोन किया था ना आप मेरे पास, वो उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ठीक है, उसने बोला था ना वो बच्चे रखना नहीं चाहता, मेरे पास रिकॉर्डिंग है भैया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं मेरे बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता, मेरे भविष्य का थोड़ी बच्चों का भविष्य नहीं ख़राब करूँगा मैं। कितने बच्चे आपके? मेरे बच्चे हैं भाई दो, एक लड़का एक लड़की है। मैं मेरे बच्चे रखना चाहता हूँ। हाँ, मेरे बच्चों को मैं बिल्कुल रखना चाहता हूँ। फिर वो कहाँ जाएगी महिला? वो जो कोर्ट वो खर्चा निर्धारित करेगा मैं उसको दूंगा भैया, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बच्चे तो फिर आपको मिल नहीं सकते, 18 साल तक तो उसकी माँ के पास रहेंगे बच्चे तो। मेरे उसके घर के पास, उसके घर मेरे बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। उस जो उसके पास उसके माँ बाप है ना, उसका खुद एक 13 साल का लड़का है, उसको उसने ये बोलते हैं इसको में बालाजी आता है ये आता है, उसको शानों के अंदर चला दिया वो लड़का, तो मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा भैया आगे? फिर वो तो कोर्ट की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है। ये जो मामला है, ये आप कह रहे हो भाई वो कहीं जाती थी, तो ये बात आपको कब सामने आई आपका? ये भाई 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ। मैंने उसको, बच्चे कितने बड़े आपके? बच्चे मेरा एक शायद 5 साल का, एक 3.5 साल की लड़की है। अच्छा, तो उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी? बीच में भी दिक्कत थी, तो मैंने उसने मेरे को बोला भी मैं सेटिस्फाई हो गया भाई, हाँ बच्चा छोड़ देगी ये वो है, तो बीच में उन्होंने फिर बात करना चालू कर दिया। ये बाद में जब मैंने उसका नंबर निकाला भी मिल गया भाई, हाँ मैंने उसके घर वालों को बोला, यहाँ पर आए भी थे वो, उन्होंने कोई भी कोई सुनवाई नहीं कही भैया हम अपनी लड़की को धमकाएंगे आगे से नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ भैया। क्या यही एक सलूशन था? एक सलूशन था लेके जाना। अब ये भैया 7 साल अगर मैं उसको इंतजार, कितना और इंतजार करूँ आप बताओ मेरे को, कितना और इंतजार करूँ मैं? चलो एक बात बताओ, आज इसने कर दिया, हाँ आपने भी तो गलत किया है, कल को अगर जो उसने भी गलत कर दिया फिर क्या करोगे भैया? ये किसी की जिम्मेवारी है? ये वो उस बात का तो अंतर नहीं है भाई, सबके अंदर तो गए हुए हैं। जैसा मेरे को सही लगा भाई, मेरे को मेरे बच्चों का भविष्य नहीं खराब करना भाई। बच्चों का भविष्य वैसे खराब हो गया वैसे, अगर वो अब उसके साथ रह रही है, अगर अब बाई चांस मैंने ये काम कर लिया, वो कर जाती फिर आपके साथ अन्याय होता फिर? नहीं तो गलत तो दोनों बातों में है ना, आपके साथ भी होगा गलत, हम ये नहीं कह रहे पंचायत वगैरह ऐसा कुछ हुआ। अब मैं अगर बाई चांस गलत, मैं अगर उसको मार देता तब भी मेरा ही कसूरवार था। ठीक है, अगर बाई चांस मैं गुस्से में कुछ कर देता, उसको मार देता, कुछ होता, तब भी आदमी का ही कसूर निकलता, या मैं कुछ कर देता तब भी मेरा ही कसूर निकलता, यानी कि हर वक्त आदमी का ही कसूर है। नहीं कसूर तो आप मतलब जैसे अगर आप वहाँ से उससे दूर चले जाते वो बात ठीक है, लेकिन आपने दूर रह के अपनी साली के साथ गए हो। मेरी बात सुनो, मैं दो बच्चों को छोड़, मैंने घर में भी दूर रह के देख लिया है, घर में भी मैं उससे 6 महीने दूर रहा हूँ। ठीक है, तब भी उसने ये लक्षण लगाने चालू कर दिए भाई, वो उसके साथ लगा हुआ है, आखिर में मैंने ये काम किया है। तब क्या सलूशन मानते हो इसका? मैं कोई सलूशन नहीं मान सकता, मैंने उसको आजाद कर दिया, वो जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है। जो आपने किया नहीं तक किया, आपने मैंने भाई कोई बिल्कुल मैंने कोई गलत नहीं किया। ठीक है, वो अगर वो ये कह रहे हैं भाई मैरिज की है, मैंने कोई मैरिज नहीं किया, मैंने लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है हमारे पास, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और उसके ये जिम्मेवार उसके माँ बाप हैं, 2 साल हो गए हैं, वो एक बार और ले गए थे थी। उसके माँ बाप भाई बिल्कुल ही उसकी सपोर्ट में है, तो 2 साल पहले वो ले गई थी वो यहाँ से, बोली तेरे लड़कों को बच्चों को रख, हम अपनी लड़की की शादी और कहीं करा देंगे। उन्होंने ये उन्होंने वो फैमिली आईडी बनवाई थी, उन्होंने अपनी लड़की को जब से वहीं चढ़वा रखा है। ये पहले का है क्या, आप दोबारा फिर चढ़वाई है? नहीं नहीं, उन्होंने तभी की वहीं पर चढ़ी हुई है वो। अच्छा, हाँ वो बोले भाई हम अपनी लड़की की शादी और कहीं कर देंगे। अगर आपकी तब मैंने ये कदम उठाया भैया। अगर आपकी पत्नी गलत थी तो कभी इस बात को लेकर पंचायत वगैरह ऐसा कुछ हुआ है? सब हुआ है भैया, कोई नहीं मानता, वो उल्टा मेरे पे ही ब्लेम करते हैं, मेरे घर वाले पे, मेरी मम्मी पे ही ब्लेम करते हैं वो इस बात। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर वाले कह रहे मैंने उनको बेदखल कर दिया, हमने कोई तो बेदखल आपको क्यों किया, वो कह रहे गलत है। जब ये बताओ जी आप, अगर आप हो आपके घर रोज पुलिस आएगी, आप रोज तहसील थाने में, आपके घर वाले क्या करेंगे? नहीं कांड क्या था, आप में गलती थी या फिर घर वालों में गलती थी? वो मेरे माँ बाप को ये कहती भी ना, तो मन तेरे माँ बाप को कोई वो नहीं देते रोटी पानी वगैरह, नहीं हम हमको कुछ मानते, ये सभी गली में हुई हुई है बातें, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मतलब वो रहना नहीं चाहती थी? हाँ नहीं रहना चाहती थी। आप गलत साबित कर सकते हो इस टाइम इसको? गलत और कितना गलत साबित करूँ भाई? साबित बोलने से कुछ नहीं, बोलने तो वो बोल देगी, साबित
सबूत कोई? सबूत नहीं है भाई, मेरे पास एक फोन था ठीक है, उसमें मैंने उसको रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ थी, वो उसने खुद ही ने तोड़ा। मैंने ये तो फिर सबूत तय करेगा ना गलत कौन है। हाँ। बोलने का तो वो ही बोल रही है, आपकी पता ही नहीं बोला आप भी गलत हो। हाँ भैया, फिर आपने बोल दिया तो इससे इसका मतलब कौन है सच? मैंने उसको सभी उसके घर वालों को भी कहा था, आपके घर वालों से पूछ सकते हो, जो मेरे ताऊ चाचे हैं मैंने उनको भी कहा था, उनसे भी आप पूछ सकते हो, ये बात सबके बीच में होगी भाई। आप काम क्या करते हैं? ऑटो चलाता हूँ भैया। अच्छा, आपकी पत्नी का आरोप भी था भी वो जब भी ऑटो लेकर जाता था दूसरे दिन तीसरे दिन हर रोज वो कैथल रहता था मेरी ससुराल में चला। ऐसा भैया काम है, काम कोई कहीं भी कर सकता है ठीक है। आपके भैया ने एक आरोप डाला था 4 साल से आप रिलेशन में उस लड़की के साथ? यस सर। ठीक है, हाँ हूँ। तो फिर इसका मतलब 4 साल से परेशान हो तो आप कह रहे हो 2 साल से? आप 2 साल से ऐसे कोई बात नहीं है, हम अब 3 साल से रिलेशनशिप में आए जब वो बिल्कुल गलत हो गई है। आपके भैया ने बोला 4 साल से? नहीं सर, आपके भैया ने बोला कि उनको पहले बताया भी गया था फैमिली को, लड़की की फैमिली को। पहले वो मेरे को ब्लेम करते थे भाई, हाँ ये उसके साथ लगा हुआ है ये। स्टार्टिंग में वो काम कर लेते फिर मैं क्यों करता रिलेशन में क्यों रहना फिर? नहीं सर, रिलेशन में क्यों रहे मैं बिल्कुल उसका तंत्र देख के, जब वो बिल्कुल बाहर होगी ना तो अब जब मैंने काम आपने पहले बंदोबस्त पूरे कर रखे थे। बंदोबस्त भैया आप अगर आपका मन नहीं आप रिलेशन में रह रहे हैं बंदोबस्त पूरे थे फिर 4 साल से मैं रिलेशन में। 3 साल बोला आपने, 3 साल अगर आपने, अगर आप कह रहे हो भी मैं उसके साथ चला गया जब आप अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे, अगर कल को हम ये नहीं कह रहे कि उसको टारगेट करें, हाँ। कोई भी मान लीजिए आप जितने जिसको भी आपने, अगर कल को वो ऐसा कर देती आपके साथ फिर आप क्या करोगे, क्या सोल्यूशन रहेगा आपके? क्या आप दोबारा अपने बच्चों को संभालोगे फिर तो या फिर तीसरी फिर नहीं सर, फिर मैं अपने बच्चों को ही रखूँगा बस। अब आपके बच्चों का क्या होगा? अब मेरे बच्चों को ही तो चाहिए ना संभालने वाला। क्या आपको लगता है वो आपको बच्चे को संभालेगी? संभालेगी बिल्कुल संभालेगी, वो तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, वो तो जो कोर्ट में तय करेगा वो तो। मैं अपने बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल रखने के लिए तैयार हूँ जी, मैं ये नहीं कहता भी हाँ मैं मेरे बच्चों को नहीं रखना चाहता। दूसरी औरत कभी भी किसी के बच्चे को नहीं रखती, ये भी आपको भी पता ही है। माँ के बिना बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। नहीं पहले ही पता था वो ऐसी माँ, वो ऐसी माँ है क्या? पहले ही पता था क्या? नाम क्या था आपका? संदीप नाम है। अच्छा, आपको पहले ही पता था आप 3 साल से रिलेशन में? नरवाना से तो है, अपनी साली के साथ में। अगर आपने जिसके साथ शादी की है उसने अपने बच्चों को रखने से मना कर दिया, तो इसका मतलब आप साजिश रच रहे थे कि मैं बाद में शादी कर दूंगा? अगर जब मैंने मैंने मैं जो उसको आप मेरा कसूर निकाल रहे हो, जैसे मैं उसको बोल रहा हूँ जब आपने बोला कि मैं 3 साल रिलेशन में, अगर मेरा रहना गलत है, अगर मैं रिलेशन में था भैया मैं ये कह रहा हूँ अगर मेरा रहना गलत है ना, गलत तो उसका भी था भैया ठीक है। जब वो ही नहीं मानी मैंने उसको पैर पकड़ के बोल दिया, और इन्होंने अभी भी बात की हुई है 2-3 दिन पहले। अच्छा बताओ क्या कारण है, ये तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आप गलत रिलेशन में थे। से बात करते थे कॉल पे? हाँ करते हैं, बोलो बताओ किस तरह की बात है? हाँ, जो लड़का आप बताओगे ना वो मैं नहीं बताता। अच्छा, मैं तेरे घर वालों को नहीं कहा था, नंबर भी दिखाया था, बोल अब इसके सामने बोल हाँ या ना, मैं जवाब दे। किसी से बात नहीं कीजिए। अच्छा ठीक है, मेरा फोन मैं दे सकती हूँ, कोई भी चेक करवा सकता है दोनों फोन। ये तो मैंने अब लिया है नया नंबर, वो भी ये फोन नहीं उठाता था तब लिया मैंने ये नया नंबर। अच्छा भाई, इसने आरोप लगाया कि 2 साल से आप गलत रिलेशन में थे इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया। आपको पकड़ा भी रंगे हाथ इन्होंने, बोला ही कहाँ से पकड़ा था ना? सर पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा? या तो प्रूफ दे, बोल रहे ही कैथल से पकड़ा। चल ठीक है, फिर मैं कैथल चलने के तैयार हूँ तेरे संग। अभी आपके सामने आ गई बात, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको, आपने बताया था कि गलत है, वो कौन लोग थे? मैंने खुद पकड़ी है जी ये फोन पे। आपने फिर बताया भी होगा कि ये गलत है? हाँ किसी को बताया? मेरे चाचा तुमको कहा था जी, इसके घर वालों को कहा था जी, मैंने खुद यहाँ पे भी आए थे वो। रुक जाता हूँ, अगर वो मना करते हैं वो तो सर फिर मेरे को साजिश में फंसाया जा रहा है। साजिश क्या है? हाँ सर आपने बताया उनको तो वो बोलेंगे तो हाँ हाँ बता तो बोलेंगे। जब यही मना कर रही है, मुद्दा मना कर रहा है ये मेरा सर से, पंचायती तो नहीं सर, मैं पंचायती तो नहीं मना करेंगे ना, ये खुद मना कर दो भाई मेरे को भाई। हाँ मेरे बच्चे की कसम भाई, मैंने बात नहीं की उसके साथ। रंगे हाथ आपने भी मीडिया के सामने बोला था, इसने मेरे को खुद भी बताया। बात करना अलग बात है, आप बोल रहे थे मैंने रंगे हाथ पकड़ा है सर, कैथल गई थी, कैथल गई थी। अच्छा एक बताओ, अभी ये मामला हो लिया तो क्या इसका सोल्यूशन ये आप इकट्ठे रहना चाहते हो? नहीं सर मैं रहना, क्यों नहीं रहना चाहते? फिर ये कहाँ जाएगी, इसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी, आपने तो दूसरी मिल गई, ये कहाँ जाएगी? अगर कल को आपने तो खदे दिया फिर आप इसके पास आओगे, ये तो फिर भी तैयार हो जाएगी? मैं नहीं आता सर।